नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हथियार के बल पर पंप प्रबंधक से लूटे 1.5 लाख रुपए, वारदात के बाद बदमाश फरार, जांच में जुटी है पुलिस। पल पल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा में आपराधिक वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह दिन में भी बिना किसी खौफ के इन वारदातों को अंजाम देकर 9, 2, 11 हो जाते हैं और हमारी स्मार्ट पुलिस सांप वाली लकीर को पीटती रह जाती है। ऐसा ही कुछ आज दोपहर को हुआ जब गांव खेड़ा आलमपुर स्थित PNB शाखा के कैश जमा करवाने के लिए आए हुए किसी भी गांव में शीतला फिलिंग स्टेशन के प्रबंधक से बाइक सवार दो बदमाशों ने, जिन्होंने नकाबपोश पहन रखे थे, जो दो बदमाश थे और पिस्टल की नोक पर लगभग 1.5 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि पहले भी दो बार इस तरह की बैंक में लूट हो चुकी है जो कि अपने आप में बड़ी वारदातें हैं। इसके बावजूद भी बैंक में कोई हथियारबंद गार्ड नहीं है, यहां तक कि बैंक के बाहर CCTV कैमरे भी नहीं। इस संदर्भ में जब पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई, फिर भी उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि बैंक प्रबंधक को कई बार नोटिस दिया गया है इन वारदातों को रोकने के लिए बैंक में हथियारबंद गार्ड की नियुक्ति करें, लेकिन प्रबंधक का कहना है कि ब्रांच छोटी होने के कारण यह सुविधा नहीं मिलती, यानी बैंक में जमा पब्लिक का पैसा राम भरोसे, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का है। पल पल की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम आकाश यादव है। आकाश जी, क्या घटना घटी आपके यहाँ पेट्रोल पंप? मेरे यहाँ पे जी सुबह लड़का बैंक में गया था कैश लेके, तो उसके बाहर बैंक के बाहर गेट पे से ही उससे कैश छीन लिया गया और दो बाइकर थे जिन्होंने ये वारदात जो है उसको अंजाम दिया। क्या उन लोग जो मेरे सेल अपने मैनेजर ने बताया उसके पास हथियार था जो उसने उसको दिखाया, उसने धक्का उक्का करा, उसको धक्का मार के अंदर गया वो बैंक के अंदर बचने के लिए, लेकिन वो जो बैग था वो छुड़ा के उससे बचा के ले गए के आसपास कैश था। बैंक में भी हो चुकी है और हमारे यहाँ पंप भी हो चुकी है एक बार पहले जो हुई है वारदात, तो उसमें फुटेज नहीं होने की वजह से मेरे ख्याल से शायद कुछ एम्पल एक्शन नहीं हो पाया था। अब की बार भी अपने पंप पे तो मेरे को कोई ऐसा सस्पेक्टेड वो कुछ दिखा नहीं, एक जो है अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वहाँ बैंक के बाहर भी कोई ऐसी CCTV वगैरह ढंग से नहीं लगे थे कि कोई पहचान करी जाए किसी, तो अब तक उसमें कोई बरामदगी कुछ तो हुई नहीं है। और कहा तो है कि जी, आश्वासन तो दिया है कि जी जो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, बाकी तो देखो ये सारी घटना कैसे हुई सर? ये मेरे ख्याल से 12 बजे के 11:50 के आसपास हुआ है जी। लड़का यहाँ से कैश लेके गया था बैंक हमारा 1 किलोमीटर दूरी खेड़ा गांव के पास PNB बैंक है, उसमें शीतला पेट्रोल पंप वाले मैनेजर से 1,41,000 रुपये पिस्तौल दिखा करके और उसे जबरदस्ती छीने हुए। तो आरोपी पहचान तो नहीं हुई है, लेकिन हमारी कोशिश है उनको जितना जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके लिए टीम बना करके उसमें पुलिस लगी हुई है, अलग अलग टीमें बना रखी हैं और जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके उसको रोकने के लिए गश्त की जाती है। जैसे बैंक हैं, पेट्रोल पंप हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गश्त की जा रही है और भी जैसे पुराने अपराधियों को ला करके इंटरोगेट किया जा रहा है। पर उसके पास हथियार नहीं है जी। हाँ जी, वो मैंने बार बार मैं जा रहा हूँ तो मैंने कई बार मैनेजर को कह चुका हूँ, आज भी मैंने मैनेजर को कहा भाई आप अपनी तरफ से चिट्ठी लिखिए अपनी अथॉरिटी को ताकि आपको हथियारबंद गार्ड दें। वो कह देते हैं जी हमारे कह देते हैं छोटी ब्रांच है, इसमें हथियार वाले की जरूरत नहीं है। दो वारदात पहले हो चुकी हैं, आज एक वारदात हो चुकी है, आप दोबारा से चिट्ठी लिखिए अपने अथॉरिटी को जो भी उनको बताइए हालात बताइए, तो उसमें छोटी बड़ी वाले कोई बात नहीं है।